हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू ड्रोन डायरेक्टर वंस अगेन। तो जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा, BVLOS ड्रोन ऑपरेशंस, ये क्या है और ये कौन शुरू करने वाला है इंडिया में सबसे पहले? तो सबसे पहले बता दूं, BVLOS एक कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशन है और एक कमर्शियल ड्रोन से होता है। और BVLOS का फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। मतलब कि जैसे यूजली हम ड्रोन शॉट्स में आपको हिदायत देते हैं या रूल बनाया जाता है कि अपनी लाइन ऑफ साइट में ड्रोन रखें, लेकिन इन चीज़ों में BVLOS ड्रोन्स में क्या होता है, BVLOS ड्रोन ऑपरेशन में क्या होता है, कमर्शियल ड्रोन को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट से के पार ले जाते हैं। फ्रेंड्स, BVLOS में सबसे पहले जो स्टेट है इसको स्टार्ट करने के लिए, इसके प्रपोजल DGCA को सबमिट किया है, वो है तेलंगाना। और उन्होंने इसके साथ फर्स्ट ड्रोन सिटी का एक कॉन्सेप्ट भी साथ में सबमिट किया है कि जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी। और तेलंगाना इज़ द फर्स्ट टू डू दैट। एंड जो प्रपोजल में लिखा गया कि तेलंगाना ड्रोन सिटी एक बनने वाला है कुछ आने वाले सालों में, वो भी इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव होगा तेलंगाना की तरफ से, जिसमें पूरा सेटअप किया जाएगा ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, उनकी रिसर्च के लिए, उनके मैन्युफैक्चर के लिए, उसके आगे टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली एक फर्स्ट इनिशिएटिव है कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशंस को शुरू करने का, जिसकी पूरी प्रपोजल फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट की है तेलंगाना स्टेट ने। तो दैट्स व्हाई तेलंगाना इज फर्स्ट टू स्टार्ट। एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि करियर्स कौन कौन से हैं, उसमें मैंने काफ़ी आपको ऑप्शन बताए थे यहाँ पर ड्रोन यूज़ होते हैं कमर्शियली। तो उन चीज़ों में ड्रोन को यूज़ करने के लिए काफ़ी बार आपको बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट जाना पड़ता है। और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट जाने के लिए आपके ड्रोन में कैपेबिलिटी होनी चाहिए और जो ड्रोन पायलट है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ले जाने के लिए। तो वो ऑपरेशन शुरू करने के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट में सेटअप चाहिए होता है, पूरे प्रपोजल साइन होते हैं, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होती है, DGCA जैसे हमारी गवर्निंग बॉडी है इस चीज़ में, फ्लाइट ऑपरेशन में उसकी सहमति, उसके अप्रूवल चाहिए होती है। तो सारा कुछ ये प्रपोजल जो है तेलंगाना ने एक सबमिट कर दिया है कि दे आर रेडी एंड दे हैव सम कंपनीज जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो इनके साथ हेल्प कर रही हैं, गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना के साथ इन एसोसिएशन विद प्राइवेट ड्रोन जो ड्रोन प्लेयर इस चीज़ के लिए जो इन्होंने प्रपोजल सबमिट किया है वो है टेरा ड्रोन इंडिया, जिप लाइन एंड मैरू ड्रोन्स। इन्होंने मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स के लिए और स्पेसिफिकली BVLOS ड्रोन का ऑपरेशन कराने के लिए। और तेलंगाना इज फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी इन फ्यूचर BVLOS कंप्लायंट जियोग्राफी। और इवन एशिया में भी कहा जा रहा है कि ऐसे इस स्तर के ऊपर, इस हाई लेवल के ऊपर कमर्शलाइजेशन ऑफ ड्रोन्स के लिए भी तेलंगाना इज फर्स्ट। तो एक बहुत बढ़िया बात है, सबको जो भी ड्रोन लवर्स हैं उनके लिए वीडियो देखिए। अगर आप नए इस चैनल पर तो भी सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर हम देते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ड्रोन को आगे वाइडर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तेलंगाना ने स्टार्ट कर दिया है। और सून आने वाले सालों में एकदम धमाका होने वाला ड्रोन इंडस्ट्री में, हर एक चीज़ में ड्रोन यूज़ होंगे। तो दे आर इनिशियली प्रपोजिंग इट टू यूज़ फॉर डिलीवरी ऑफ ब्लड, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, और जहाँ पर कई बार ड्रॉट आ जाता है या कुछ बाढ़ वगैरह आ जाती है वहाँ पर कमर्शियल ड्रोन का ऑपरेशन कराने के लिए सारा सेटअप के लिए प्रपोजल दिया गया है। इसके अलावा आगे जो इंडस्ट्रीज में है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें यूज़ हो सकते हैं, सर्वेलेंस में यूज़ हो सकते हैं, ऑयल पाइप्स के चेकअप करने के लिए BVLOS ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स यूज़ हो सकता है। तो सारी जो चीज़ें मैंने करियर ऑप्शन में पिछले कुछ वीडियो में बताई थी, वो सब को अप्लाई करने के लिए ये प्रपोजल ज़रूरी है और ये उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है गवर्नमेंट को, DGCA को। तो होप सो इनको सब कुछ सही रहा तो ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और तेलंगाना विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट दैट। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्लानिंग तेलंगाना ड्रोन सिटी, जो मैंने भी इनिशियली बताया था, जो कि एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा ड्रोन ऑपरेटर्स को, ताकि ड्रोन पायलट्स को कि वो इजीली इस तरह के ऑपरेशन जो बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर पाएँ। पूरा एक उसके लिए सेटअप चाहिए होता है, वो सब प्रोवाइड कराने के लिए दे आर रेडी एंड दे हैव पुट ऑल दीज डिटेल्स इन द प्रपोजल कि हम ये कंप्लायंट हैं, हमारे साथ ये कंपनीज हैं और हमने इतना प्लानिंग कर ली है और इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ है, तो हमें बस आपके अप्रूवल चाहिए, उसके बाद हम ये ऑपरेशन कुछ सालों में स्टार्ट कर देंगे। तो इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर द ड्रोन लवर्स एंड फॉर द ड्रोन टेक्नोलॉजी लवर्स, जो कि फ्यूचर की बात है और आने वाले कुछ सालों में ये सब कुछ होने वाला है। एक और चीज़ में बताऊँ, जैसे मैं इसी ड्रोन सिटी की जो सेटअप हो जाएगी एंड इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडस्ट्री टू सपोर्ट रिसर्च
इस रिसर्च की सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे एंड ऑपरेशन ऑफ दीज ड्रोन्स, मतलब जो नहीं हुआ अभी तक काफ़ी इंडस्ट्री में, वो जो फर्स्ट ट्रायल बेसिस पे जो होते हैं प्रोजेक्ट्स, वो सब यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे, ड्रोन्स की टेस्टिंग हो पाएगी, सारा कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स वाई इट विल बी कॉल्ड एज तेलंगाना ड्रोन सिटी। तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन थी, कल परसों मैं अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, तो आज मैंने अपलोड कर दिया। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी कि कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशन सून स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो ज़रूर लिखिए। और आपके क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे करियर्स के ऊपर, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसे वो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेनी है, क्या है सारा कुछ, उन सब पे वीडियोस आएंगे। आप प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय हो।